वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किट्स, इसकी थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 का प्रूफ समझेंगे। तो फर्स्टली थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट क्या है ये पढ़ते हैं। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो थ्योरम में हम लोग को गिवन है कि इक्वल कोर्ड्स, यहाँ पे सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी जो कॉर्ड है वो इक्वल है सी डी कॉर्ड के। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ए बी और सी डी जो कॉर्ड है ये सेंटर पे यहाँ पे इक्वल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। ठीक है, तो फर्स्टली इसका गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हम लोग को। गिवन है ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड। देन टू प्रूफ कराना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। प्रूफ देखिए, इसको प्रूफ कराने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी को इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स हम लोग को इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ पे देखिए ए ओ एंड ओ सी ये दोनों क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल की, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगी। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देन नेक्स्ट हम लोग को क्या मिलेगा कि ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, क्योंकि ये हम लोग को गिवन है। ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इज गिवन। और नेक्स्ट हम लोग को क्या मिलेगा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, बिकॉज ये भी क्या है, रेडियाई है सर्किल की। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बिकॉज दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस 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 रूल। तो यहाँ पे हम लोग को साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की ये वाला रूल मिल रहा है हम लोग को। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट क्या है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि ये जो कोर्स हैं ए बी और सी डी जो कोर्स हैं वो यहाँ पे इक्वल एंगल यानी कि सेंटर पर इक्वल एंगल अगर सबटेंड करती हैं तो कोर्स भी इक्वल लेंथ की होंगी। यानी कि हम लोग को थ्योरम 10.1 का कन्वर्स यहाँ पे प्रूव कराना है। थ्योरम 10.1 में हम लोग को क्या गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हम लोग को प्रूफ कराना था कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कोर्स जो फॉर्म कर रहे हैं वो आपस में इक्वल है। यहाँ पे हम लोग को एंगल्स इक्वल गिवन है, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये इक्वल गिवन है, और हम लोग को प्रूफ कराना है कि कोर्स यहाँ पे इक्वल लेंथ की है। तो इसमें गिवन लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और इसका रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देन हम लोग एंगल लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी विच इज गिवन एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और इसका भी रीजन यही हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल।
तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड एंगल साइड एस ए एस. तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस रूल. ठीक है, तो जब दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी. सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी by CPCT, hence proved. आई होप ये दोनों ही थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय.